हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार से टॉपिक पे वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा। मैंने आपको बताया था कि पटना रोज़ नए नए कीर्तिमान विकास के जो है रच रहा है, और आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार सा जो है खबर जिसको वीडियो के थ्रू दिखाने लेके जा रहा। आपको देख करके ये पता चल जाएगा कि पटना में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। और अब की बार ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक बनने वाले शानदार रोड की वीडियो है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको मालूम ही है कि पटना में मंदिरी नाले पे ऑलरेडी पहले से ही रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू है। अब एक और नाले को ढक करके उस पर भी रोड बनाने की बात कही जा रही है, ये है वाकरगंज नाला। तो खबर यही है जिसको कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाने लेके जा रहा, मतलब वाकरगंज नाले को ढक करके सड़क का निर्माण होगा ये खबर आ रही है। और कैबिनेट ने तय कर दिया है कि इस नाले को ढक करके सड़क बनाया जाएगा और बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया सड़क होगी। इस सड़क निर्माण प्रोजेक्ट पर बिहार सरकार जो है 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और ये पूरा का पूरा जो निर्माण कार्य होगा ये पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही होगा, और ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य 25 करोड़ रुपए की लागत से होगा। और इस नाले को ढक करके 1.33 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा, जो कि लगभग 6 मीटर चौड़ी सड़क होगी, और बनने के बाद ये बहुत ही शानदार सड़क होगी और इस इलाके के लोगों को जो है काफ़ी सहूलियत मिलेगी और ट्रैफिक से भी लोगों को निजात मिलेगी। और ये सड़क जो है लगभग 2 लेन का सड़क होगा। तो यही खबर है जिसको कि मैं आपको इस पूरे वीडियो के थ्रू दिखाने लेके जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा का पूरा सड़क बनने के बाद कैसा दिखेगा और कैसा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हम यूँ ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर आपको वीडियो बना करके पटना और आपके शहर और पूरे बिहार का अपडेट्स देते रहें। तो व्यूअर्स, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और प्लीज़ दोस्तों लाइक भी कर देना। आप लोग के लाइक्स बहुत कम आते हैं, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ बिना कंजूसी किए हुए लाइक भी कर देंगे और अपने कमेंट्स लिख करके हमें अपनी राय देंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।